हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्लस पॉइंट। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मिंत्रा से दो बैग्स का हॉल। छोटा सा हॉल है जिसमें मैंने दो बैग मंगाए हैं और बहुत भयानक यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू दे रही हूँ। तो ये दोनों ही बैग मैंने ड्रेसबेरी ब्रांड का मंगाया है। ड्रेसबेरी का आपको मिंत्रा पे कपड़े मिल जाएंगे, एक्सेसरीज मिल जाएंगी, बैग्स मिल जाएंगे और सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। तो मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ आपके साथ ये पहला बैग। ये शोल्डर बैग है, आप देख सकते हैं। और अच्छा, फ्रंट व्यू इसका देखिए ये है और आप कलर इसका ये है। अब ये जो कलर आप देख रहे हैं ये येलोइश कलर है, लेमन येलो टाइप का कलर है। और इसमें इस तरीके का एक डिटैचेबल ये लटका हुआ है एक्सेसरी इसका। आप इसे डिटैच भी कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है और कहीं और टांगना चाहें तो टांग सकते हैं। तो ये है बाहर के साइड में इस बैग में, कोई भी काफ़ी बड़ा बैग है आप देख सकते हैं। तो इसमें बाहर के साइड में कोई भी जिप नहीं दी गई है। जिप की क्वालिटी ऑसम है। ये मैं 2 साल यूज़ करने के बाद आपको बैग का रिव्यू दे रही हूँ। गोल्डन कलर अभी भी गोल्डन ही कलर है, आप देख सकते हैं कलर गोल्डन ही है, ऐसा नहीं कि फेड हो गया है। अब एक ये देखिए जिप है, एक बहुत स्मूथ जिप है। इस बैग के अंदर आपको एक ये देखिए, इस बैग के अंदर आपको बीच में एक ये जिप का कंपार्टमेंट मिलेगा। ये बीच में लटका हुआ है, हैंगिंग का कंपार्टमेंट है और इसी ने बैग को 2 अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है, एक ये बड़ा पोर्शन, एक ये बड़ा पोर्शन। साथ में इसमें 2 पॉकेट्स भी ही बने हुए हैं, एक बड़ा एक छोटा, और एक साइड में जिप लगा हुआ है। ये अंदर का फैब्रिक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक इस तरीके का फैब्रिक है। बैग वॉशेबल है, ऐसा नहीं कि आप इसे भिगो कर एकदम निचोड़ कर मशीन वॉश कर सकते हैं। सरफेस को माइल्ड डिटर्जेंट से पोंछ सकते हैं और बैग का इनसाइड जो कपड़ा है उसे पूरे को बाहर निकाल कर अच्छे से साबुन से आप साफ करके अपने बैग को सैनिटाइज प्रॉपर कर सकते हैं, बैग को कोई हार्म नहीं होगा। तो ये प्लस पॉइंट है इस बैग का। इस बैग की जो एक चीज़ ख़राब है वो ये है कि प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत फाइन नहीं है। ये जो स्ट्रैप है ये आपको ठीक से यहाँ पे आप देख पाए अगर, तो ये देख रहे हैं एजेस इसके टेढ़े टेढ़े से इस तरीके से एकदम फाइन नहीं है। और ये भी डिटेलिंग में आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़, बैग खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आप जब जो बैग खरीदें उसकी जो जिप्स हैं गोल्डन कलर की ना लें। गोल्डन कलर टाइम के साथ थोड़ा सा फेड हो जाता है तो वो बैग पुराने जैसा लगने लगता है। आप सिल्वर फिनिश में लेंगे तो स्टील वाली फिनिश में लेंगे तो वो ज़्यादा चलेंगे बगैर पुराना हुए। तो ये एक ऑसम बैग है, 900 के अराउंड इसकी कॉस्ट थी। सॉरी, ये मास्ट एंड हार्बर का बैग है, मुझे लगा ड्रेसबेरी का है, सॉरी, ये मास्ट एंड हार्बर का बैग है। आप यहाँ पर इसका लोगो भी देख सकते हैं इस तरीके से। बैग बहुत ही सुंदर है, बड़ा है। जो मदर्स होती हैं जिन्हें ढेर सारा सामान अपने शोल्डर बैग में भी कैरी करना पड़ता है उनके लिए परफेक्ट है। अब बात करते दूसरे बैग की, तो आप पहले दूसरे बैग का लुक देख लीजिए। ये भी शोल्डर बैग है तो कुछ इस तरीके का ये बैग का लुक है। ये ड्रेसबेरी का बैग है, इस पे ड्रेसबेरी का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर बाहर के साइड आप इसे इस तरीके से देखेंगे तो बैग भी आपको 2 पार्ट्स में लगेगा कि चिपका हुआ है, एक ये छोटा पार्ट है, एक ये मेन पार्ट है इसका। तो बाहर की साइड में 2 जिप दी गई है, ये एक फ्रंट की साइड में एक ये जिप है। जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप ये देख सकते हैं स्टील फिनिश में जिप है। अंदर की ओर ड्रेसबेरी लिखा हुआ लाइनिंग का कपड़ा है, आप ये देख सकते हैं। पीछे वाला जो है जिप, ये थोड़ा सा आपके बैग को अच्छा लुक देने के लिए डबल जिप विद डैंगलिंग इसका ये लगा हुआ है। ये भी बैग उसी तरीके से आप कपड़े को भिगाकर आप माइल्ड डिटर्जेंट से गंदा होने पे इसे भी साफ कर सकते हैं। ये भी सेम उसी तरीके का पॉकेट है, जितना बड़ा पीछे था उतना ही बड़ा है। इसके अलावा आपको जो ये फ्रंट वाला
है इसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको पूरा खोल खोल के दिखा देती हूँ। स्पेस बहुत है बैग के अंदर। ये पहला पॉकेट है, ये इसके अंदर कोई सब पॉकेट नहीं है, ये एक अकेला पॉकेट है। अब जो ये मेन आप कंपार्टमेंट बड़ा वाला देखेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा जिप के लिए जिप का पाउच अलग है, साथ में दो अलग खुले हुए पाउचेस भी हैं जिनमें आप अपना कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, ये देखिए कि ये है एक, ये है, ये दोनों है, और बीच का जो मेन पोर्शन है इसमें तो आप कुछ भी भरना चाहें तो भर ही सकते हैं। तो बैग बहुत अच्छा है, कलर बहुत पसंद आया। इसमें और कलर्स अवेलेबल आई थिंक नहीं है, बट ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छा कलर है। और आप डिटेलिंग अगर देखना चाहें तो आप आगे और पीछे दोनों आपको ये रिंग हैंडल मिलेगा। स्लिंग बैग नहीं है, शोल्डर बैग है। इसके अलावा आपको कोई टांगने के लिए स्ट्रैप नहीं मिलेगा। इसका प्राइस भी 900 समथिंग के आसपास था, बट जितना प्राइस आप पे करेंगे उतने ही दिन आप इसे अच्छे से घीस करके यूज़ कर पाएंगे कि बैग उतना ड्यूरेबल, सुंदर, क्लासी बैग है। प्लस कंपार्टमेंट्स और स्पेस इतना है कि जो मदर्स हैं या फिर जो लोग ढेर सारा सामान अपने शोल्डर बैग्स में कैरी करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट है। तो आप दोनों ही बैग के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।